हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। आवाज सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट कर दिया था। हाँ, है ना? यस सर। यस सर। उसी का एक पार्ट है, आपके एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला दिया हो। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, खासकर ये ऊपर वाला, कि अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में हो, भार e की पावर एक्स मान लो और एफ एक्स, और साथ ही में उसी का डिफरेंशिएशन दिखाओ। इसका डेरिवेशन किया गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया गया, तो फाइनल आंसर जो आ रहा था वो फाइनल आंसर एज अ रिजल्ट हमको याद रखना। पूरा हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दिया हो या फिर अगर नहीं दिया हो, अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो पा रहा है, जहां पे e की पावर x के साथ फंक्शन अलग हो जाए और उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाए, इसका आंसर फाइनली आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर है। तो अगर इस फॉर्मेट में डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? इसका डेरिवेशन आप एनसीईआरटी में या फिर कहीं पे भी देख लेना, वो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से ये सॉल्व किया गया, एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो और देखना भी चाहिए। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हो तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे? ई की पावर एफ एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैंने ये दिए दिए, क्या इसका आंसर बता दो डायरेक्टली? ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन फंक्शन है, कौन डिफरेंशिएशन, ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता तो इसको एफ एक्स मान लेंगे, तो ये मेरा एफ डैश एक्स आ जाएगा। हाँ, है ना? तो ध्यान रखना, यस सर, फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन दोनों को सेपरेटली अलग अलग देखना, और आपको आंसर में क्या लिखना, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, बस यही ध्यान रखना। चलो फर्स्ट वाला करो ट्राई। सर, e की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। हाँ, आप कौन किसका डिफरेंशिएशन है बताओ, किसको एफ एक्स मानोगे? सर 1/x को। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x का? माइनस 1/x स्क्वायर। और यही यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर होगा? यस सर। चलो अगला करो। सर, e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस सी। सर, e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस सी। हाँ, क्लियरली यहाँ पे ये एफ एक्स और ये इसका एफ डैश एक्स, आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी। क्लियर हो गया? यस सर। अब सॉल्व करो। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिखेगा, तो आपको खुद से पहले इसको सिंप्लीफाई करके एफ एक्स और एफ डैश एक्स को अलग अलग करना पड़ेगा। करो। हाँ, क्या आया?
कर रहे हैं सॉल्व करें करो मैनिपुलेशन दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक भी मैनिपुलेशन करना पड़ेगा cos 2x का फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला भी अप्लाई करो तो दिख जाएगा देखा fx और f'x क्या आया बोलो किसी का आंसर आया तो बताओ डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो देख जल्दी से सॉल्व करो u टू द पावर x इनटू 10x हाँ वेरी गुड एक आंसर ये आया और किसी का किसका आंसर आया था हाँ किसने बताया था रौनक ठीक है एक आंसर आया e की पावर x इनटू 10x किसी और का कोई और आंसर आया हो तो बताओ Anyone, बताओ जल्दी से थोड़ा तो सिंप्लीफाई करो बता भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है सर एक की पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी ये आ रहा ठीक है yes, सर वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते टू कॉस स्क्वायर थीटा अब यहाँ पे साइन टू एक्स और वन प्लस कॉस टू एक्स है साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इसको लिखे टू कॉस स्क्वायर एक्स वापिस से टू से टू कैंसल टू से टू कैंसल एक कॉस से एक कॉस कैंसल आपके पास देखो क्या बचा वन बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सेकेंट स्क्वायर और साइन बाय कॉस क्या बन गया टेन अब दिख जाएगा है ना तो क्वेश्चन कभी कभी हम हर बार डायरेक्ट नहीं देंगे थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन आपको करना ही पड़ेगा ना हाँ है ना अब बताओ फंक्शन कौन और डिफरेंशिएशन कौन सर टेन एक्स फंक्शन और फंक्शन टेन एक्स हाँ तो ए की पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी ये एफ एक्स और ये उसका डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ बोल दो यस सर यस सर चलो इसको ट्राई करो इसमें प्रैक्टिस अच्छी चाहिएगी एकदम खुद की ईमानदारी से ट्राई करना मैं आपको समय दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ पूरी कोशिश करके ट्राई करो एक मिनट का पूरा समय है आपके पास आराम से ट्राई करो लेकिन कोशिश करो आंसर निकालने की जिसका भी आंसर आए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं
क्या आया, e की पावर x 1, ठीक है, एक आंसर है। हाँ और किसी का आंसर आया बताओ, ये क्या थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। चलो अब सुनो ध्यान से, देखो ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, लेकिन नीचे क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया हुआ। एक क्वेश्चन ये जो हमने पहले किया था, देखो ध्यान से, सेम एक्स और सेम एक्स का होल स्क्वायर आया ना, लेकिन ये क्या अलग अलग हो गए थे, एक 1 बाई एक्स और इसी का होल स्क्वायर अलग अलग हो गया था, हमने आसानी से सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे भी हम सेम पहले क्रिएट करना पड़ेगा अलग अलग करके माइनस के फॉर्मेट में, एक पावर वन और एक पावर टू में, तो पावर वन और पावर टू में मुझे अलग अलग करना है सेपरेट, तो ऊपर 2 प्लस एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 प्लस एक्स क्रिएट करने के लिए क्या करें, ऊपर 2 क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 1 और ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दे। यस सर, न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया 1 को सब्सट्रैक्ट किया ताकि क्या थोड़ा सेपरेट हो जाए। अब ऊपर एक 2 प्लस एक्स क्रिएट हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा में माइनस 1 अलग, और नीचे वाला जो 2 प्लस एक्स उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इससे देखो मेरा क्वेश्चन आसानी से दिख जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया 1 अपॉन 2 प्लस एक्स और माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एफ एक्स तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। यस सर, तो आंसर क्या जाएगा, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो, तो थोड़ा देखो ये प्रैक्टिस से होगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे कोशिश करो थोड़ा सा माइंड को उस तरह से यूज करने की, ठीक है। चलो अगला, अगले में तो हिंट दे दिया था मैंने, तो हिंट को हटा देता हूं। चलो सेम तरीके से वापस यहां पे सोचो, पावर क्यूब है नीचे, सोचो फिर आंसर निकालने की कोशिश करो, आंसर आ जाए तो बता देना। चलो हो गया सॉल्व? यस सर। हाँ क्या क्या मैनिपुलेशन करेंगे इसमें बताओ आप। इसे सर x प्लस 3 में माइनस 2 और प्लस 2 कर देंगे। वेरी गुड। हाँ नीचे प्लस 5 है तो प्लस 5 बनाने के लिए प्लस 2 कर दिया और एक माइनस 2 कर दिया, सही है? यस सर। तो प्लस 5 बन नीचे होल क्यूब था, प्लस 5 बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5, ऊपर एक x प्लस 5 आएगा तो नीचे होल स्क्वायर बचेगा माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब। क्लियर है? यस सर। बोलो
तो अगर इसको किसी एक को एफ एक्स मान लो, इसको एफ एक्स मानोगे कौन किसका डिफरेंशिएशन? एक्स प्लस फाइव का इसका डिफरेंशिएशन के बाद ये एफ एक्स है तो इसी का डिफरेंशिएशन ये दिया होगा। पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन का माइनस टू आ गया जगह नीचे पावर थ्री बन जाएगी। हाँ है ना? यस सर। तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। चलो थोड़ा सा इसको बस ध्यान से ऑब्जर्वेशन करके इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर आंसर आ जाए तो बताते हैं। हो गया सॉल्व? सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी? बोलो। कैसे करेंगे इसको? बोलो। क्या करें, क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करें? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस प्लस वन माइनस वन कर दें। यस सर। एक प्लस वन किया और एक माइनस वन कर दिया। एक प्लस वन को अलग करा, द प्लस वन अलग चला गया और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का टू। बोलो। यस सर। ऑन एफ एक्स तो ये वापस यहाँ पे पावर टू बच जाएगी, तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स। आगे समझ में? आंसर क्या जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है। चलो ये करो। चलो हो गया। यहाँ x प्लस वन को होल स्क्वायर है और ऊपर x स्क्वायर प्लस वन है, क्या करेंगे? सर उसका खोल देंगे। नहीं नहीं नहीं, ओपन स्क्वायर ओपन करने से नहीं होगा, बताओ।
नीचे एक्स प्लस वन को होल स्क्वायर तो वही क्रिएट करो ना ऊपर भी, एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स माइनस वन, वो एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, दोनों में अंतर है, आया ना? ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, इसका थोड़ी को आइडेंटिटी दो, तो क्या लिखो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, बोलो। यस सर। ये दोनों में अंतर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये होती है, ये मत अप्लाई कर देना यहाँ पे, यहाँ प्लस है बीच में, सॉल्व करो, इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, पर चेक कर लो एक बार। इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? पर नहीं सर, उसका एक फुल की भी ऐसे ही होता है। हाँ, होल स्क्वायर खोलते तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन होगा। अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे नीचे का, सर सेम ये क्रिएट होता है क्योंकि अब क्या करोगे, एक्स माइनस भी और प्लस ऊपर वाले, पर वो तो बात एक ही हो तो वापस वही करते yes, हो यार था, इससे फायदा नहीं होगा। हाँ तो कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो एक चीज तो पक्की है, अगर इसका जो भी डिफरेंशिएशन होता है, एक माइनस क्यू कोएफिशिएंट आता है, नीचे क्यूब बनता है हर बार, देखो तीनों बार में यही हो रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, एक माइनस टू ऊपर आ रहा है, नीचे इसका क्यूब बन रहा है, सही है, तो कहीं ना कहीं टू तो क्रिएट करना पड़ेगा, माइनस का टू, तो एक माइनस वन के और एक प्लस वन करें, सोच के देखते हैं, देखो इससे कुछ होगा क्या, एक प्लस वन किया और एक माइनस वन किया, तो टू अलग कर लिया इसमें से मैंने, वन और वन टू अलग कर लिया, तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का टू, प्लस वन को क्या लिख दिया, टू माइनस वन, आया ना, बोलो। यस सर। अब मैं अलग अलग करता हूं, अब देखो अब आप लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, बोलो। यस सर। यस सर। थोड़ा सा टफ, हल्का सा टफ क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा एक पहली बार में काम नहीं हुआ तो दूसरी बार कुछ और दिमाग लगा के सोचना पड़ रहा। अब यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ बचेगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ये, हाँ अब इसका डिफरेंशिएशन ये क्रिएट हो चुका, क्योंकि u बाय v रूल का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आया आपके पास e की पावर x, x माइनस वन अपॉन x प्लस वन प्लस टू अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको आप अगर एफ एक्स मानोगे तो ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा, u डैश माइनस v माइनस v डैश इंटू अपॉन v स्क्वायर, है ना, तो आंसर क्या है e की पावर x इंटू एफ एक्स, क्लियर है, ध्यान रख लेना इसको। ओके यस सर। ठीक, चलो ये ट्राई करो। सोचो जरा इसमें कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसमें ई की पावर एक्स तो है ही नहीं। हाँ तो क्रिएट करो। ओके सर, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे ई की पावर एक्स था नहीं, तो आपने क्या किया बताओ, बोलो। यहाँ पे लॉग के अंदर भी एलएन दिया था, यहाँ पे भी एलएन दिया था, ठीक है। तो लॉग के अंदर भी एलएन एक्स, यहाँ पे भी एलएन एक्स, तो अगर एलएन एक्स को मैं टी मानू, मल्टीप्लाई नहीं, सुनो ध्यान, एल एन एक्स को अगर आपने टी माना, एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर टी। डिफरेंशिएट करोगे तो डीएक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर टी डी टी। तो दो दो जगह एल एन एक्स दिख रहा था, तो मैंने एल एन एक्स को ही टी मान लिया। अब मेरा क्वेश्चन देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल एन ऑफ टी माइ प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर। एल एन एक्स को टी माना था, तो ये हो जाएगा एल एन टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, और डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर टी डी टी। अब यहां से कुछ फायदा हुआ क्या, चेक करो। यहां पे तो 1 बाय टी स्क्वायर आ गया। अब क्या करें, लगाओ दिमाग थोड़ा सी, एक ही स्टेप है, सोचो थोड़ा सा, जो चाहिए उसको क्रिएट करने की कोशिश करो। क्या चाहिए मुझे, अब देखो अगर इसको टी मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इसको अगर एफ एक्स मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाय टी आएगा ना, यस लेकिन 1 बाय टी तो है ही नहीं, तो 1 बाय टी अगर नहीं है तो 1 बाय टी क्रिएट कर दें। अरे बोलो, यस सर, तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो अगर इसको एफ एक्स तो इसी को माना, इसका तो डिफरेंशिएशन ही पता, इंटीग्रेट, तो इसको अगर एफ एक्स माना, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय टी आता है, तो 1 बाय टी है नहीं, तो एल एन टी तो था ही सही मेरे पास, तो एक 1 बाय टी मैंने क्या करा, ऐड करा, और एक 1 बाय टी क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। और ठीक है, अब अलग अलग कर देंगे, ये देखो अब शायद आपको दिख गया होगा, है ना, ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, यहाँ पे ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, ना दो बार में फॉर्मूला अप्लाई हुआ, आई बात समझ में। देखो यस सारी जो जो वैरायटी पॉसिबल थी सब मैं करा रहा हूं, आपको ये समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक यस सर, है, प्रैक्टिस घर पे रिपीट करना, हो जाएगा सॉल्व। चलो आप दिमाग लगाओ, अब यहाँ पे e की पावर में x की जगह टेन एक्स आ गया, e की पावर में x की जगह क्या आ गया, टेन एक्स आ गया। अब जितने फॉर्मूले मैंने पढ़े थे उसमें सिंगल वेरिएबल था x में अब तक, है ना,
ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। लेकिन अगर ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो फिर क्या करना, ठीक है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला और बताया कि ई की पावर मानो कोई फंक्शन है जी एक्स और नीचे एफ डैश एक्स और एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इस तरह से लिया हो, तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। या तो फॉर्मूला याद कर लो या फिर खुद से कोई तरीका डिराइव करने की कोशिश करो। जैसे अगर टेन एक्स को कुछ मान के चले, अगर अपन सिंगल वेरिएबल टी मान ले, इससे फायदा हुआ कि नहीं होगा चेक कर ले। टेन एक्स को अगर टी मान गया मैंने तो क्या हो जाएगा, ताकि मैं इसको सिंगल वेरिएबल में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकूं, इसे कन्वर्ट करके कोशिश करते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो अब अंदर वाले को भी टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन एक्स इंटू सेकेंड एक्स। इसको कैसे कन्वर्ट करें टेन के टर्म्स में टी के टर्म्स में, बताओ। या तो कन्वर्ट हो जाए तो काम बन जाए, पर कन्वर्ट दिख नहीं रहा शायद। यहाँ अगर मैं कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करूंगा, समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन को पूरे को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है मुझे। तो अगर इसको तो टी मान लूंगा तो डीएक्स भी रिप्लेस हो जाएगा, चलो टी के टर्म्स में, लेकिन ये अंदर वाला फंक्शन कैसे रिप्लेस होगा वो देखना पड़ेगा। तो अपन को ट्राइंगल बना के रिप्लेस, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। ई की पावर एक्स को मैंने टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू डीटी हो जाएगा, तो डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन बाय सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना। अब पूरा टी के टर्म्स में चाहिए तो क्या लिखोगे, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो डीएक्स की जगह तो ये आ जाएगा। ठीक है, पूरे को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करके एक बार कोशिश करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, पूरे क्वेश्चन को टी में टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। अब देखो आपने टेन एक्स को टी माना था तो बची हुई चीज निकालने के लिए ट्राइंगल भी बना सकते हो, एंगल एक्स का। टेन एक्स को टी माना था, परपेंडिकुलर टी बेस वन, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर है ना, बोलो। यस सर। माना था तो ट्राइंगल बना लिया अपन ने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टी को क्या लिख दोगे, टी बाय वन, परपेंडिकुलर टी बेस वन। अब यहां से साइन एक्स निकाल लें, अगर साइन एक्स कितना हो जाएगा, टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, और सेकेंड एक्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, क्लियर हुआ यहां तक, बोलो। यस सर। ई की पावर टेन एक्स को मान लिया टी, साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, और सेकेंड एक्स की जगह क्या आ जाएगा, और डीएक्स की जगह आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेना, क्लियर हो गया वो फॉर्मूला, अगर याद नहीं हो तो इस तरह से फर्क कन्वर्ट कर देना। अब आप वो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाला, क्लियर हो गई बात, बोलो। यस सर। ठीक है, आपको अगर वो फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप तो नॉर्मल क्या करना, इसको टी वी मान के सॉल्व करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या एग्जाम में याद रहता नहीं है, ऑलरेडी इतने फॉर्मूले रहेंगे आपके पास कि वो भी फॉर्मूला याद रह जाए पॉसिबल बहुत कम। चलो ठीक है, इतना काफी यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब एक लास्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में कैसे इंटीग्रेशन करना है वो सीखना है। उसके लिए भी है ना, एक्चुअली में अलग अलग फॉर्मेट है, तो मैं उसको अलग अलग फॉर्मेट ना लगा के फॉर्मूला अप्लाई ना करवा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट खुद के ही लॉजिक से आपको डेवलप करना है। लॉजिक अगर रहेगा ना तो कभी भूलोगे नहीं, तो उसके लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक एक करके सारी वेराइटी कवर करेंगे। तो हेडिंग डालो
इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स, हेडिंग डाल दो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट। अब इसमें अलग अलग वेराइटी ही आपका टाइप हो जाएगी, हर वेराइटी का लॉजिक आपको खुद से ही डेवलप करना है, कोई मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में जनरली बुक्स में फॉर्मूला दे देते हैं, लेकिन हम बिना फॉर्मूले से लॉजिक से करेंगे, लॉजिक हमेशा याद रहता है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके सर, हेडिंग डाल दी सबने, हेडिंग डाल दी सर। अब एक एक क्वेश्चन को बहुत एकदम कंसंट्रेट होके ट्राई करना और खुद पे भरोसा रखना, हो जाएगा सर। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बस खुद से ही खुद का लॉजिक डेवलप करना। पहला ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद से ट्राई करो, क्या टी मानोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे, खुद का लॉजिक डेवलप करो, वो खुद से करना, पूरी बता रहा हूँ, इधर उधर से नेट वेट से मत देख लेना, कभी नहीं सीख पाओगे, खुद से सॉल्व करना, गलत होगा चलेगा, गलत हो वापिस फिर सुधारने की कोशिश करना। मैं आपको पूरे एक दो मिनट का समय दे रहा हूँ, आप खुद से ही लॉजिक लगाओ, पहली बार में हो सकता है गलत हो, फिर दूसरी बार ट्राई करना, हो सकता है दूसरी बार में गलत हो, तीसरी बार ट्राई करना, पर हो जाएगा, करो ट्राई। ओके सर। और बताओ इसको क्या क्या दिमाग लगा है, बताओ क्या क्या सोचा इसमें?
इसको टी माने ताकि मेरा काम बन जाए। देखो यहाँ पे एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है ना, साइन की पावर फोर है और कॉस की पावर फाइव है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक साइन एक्स एक कॉस एक्स, एक की पावर इवन दूसरे की पावर ऑड, तो किसी ना किसी एक को टी मान के सॉल्व करना है। तो अगर साइन एक्स को टी मानूंगा तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, और कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो किसको मानने पे फायदा होगा ये सोचना, तो दोनों से लॉजिक लगा लेते। मान लो अगर आप कॉस एक्स को टी मानते हैं तो कॉस एक्स को टी मानने पे माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला जाता, तो एक साइन एक्स डी टी में चला जाता, एक साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाता, माइनस डी टी। तो क्वेश्चन में क्या कन्वर्जन हो जाता, क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कन्वर्जन होता। कॉस एक्स को टी माना तो ये तो हो जाता है कॉस टी की पावर फाइव, और इसमें से अगर एक साइन हटा देते, एक साइन एक्स तो डी एक्स में जाते, यहाँ पे बचता साइन क्यूब एक्स, और एक साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला जाता तो माइनस डी टी हो जाता। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे साइन क्यूब को हटाने के लिए कोई तरीका नहीं था, क्योंकि कॉस एक्स को टी माना था, अब साइन क्यूब को कॉस के टर्म्स में कैसे लिखें, आया ना, बोलो। अरे आप लोगों को आवाज आ रही है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, आया ना, जवाब दिया करो। तो यहाँ पे cos x को t मानने पे फायदा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे sin cube क्रिएट होगा। अब sin cube को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, अगर इवन पावर होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर यहाँ पे पावर इवन होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर ऑड है इसलिए दिक्कत होगी। cos x को t मानने पे फायदा नहीं हुआ, तो sin x को t मान के देखते हैं। अगर sin x को t मानूंगा तो एक cos x dx dt में चला जाएगा। देखो पावर ऑलरेडी ऑड है इसमें, तो अगर एक cos x dx में चला जाएगा तो पावर ये ऑड इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। Yes, cos की पावर 5 है, इसमें से अगर एक cos कम हो जाएगा तो पावर इवन में, और इवन पावर को कन्वर्ट करना मेरे लिए आसान है। देखो अपने ध्यान से, तो sin x को t माने तो cos x dx dt में चला जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, sin की पावर 4x, इसमें से अगर एक cos की पावर कम कर दूंगा और एक cos x इसके साथ लिख दूंगा। ध्यान से देखो, अब पूरे को मैं इसको पूरे को sin के टर्म्स में कन्वर्ट करना है ताकि पूरा t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे sin की पावर 4x लिख दिया, कॉस की पावर फोर है तो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, yes, और एक cos yes, अलग। तो अब पूरे को साइन के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना, क्योंकि साइन एक्स को टी माना, तो कॉस स्क्वायर को मैं आसानी से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो ये इवन पावर था तो हो गया कन्वर्ट, लेकिन अगर ऑड पावर था तो दिक्कत आ रही थी। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मेरा साइन एक्स को मैंने टी माना था, तो देखो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये टी की पावर फोर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसको होल स्क्वायर को ओपन करके अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, हाँ है ना, यस सर। देखो ये था लॉजिक, और इसके लिए उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया, क्या फॉर्मेट दिया कि जो भी पावर ऑड आए उसको टी मानो, और पावर अगर इधर दोनों अगर एक इवन है एक ऑड है तो ऑड वाली को टी मानो, दो में इवन है तो फिर ये मानो वो मानो, लेकिन वो सारा याद रहता नहीं। आप लॉजिक डेवलप करो, क्या लॉजिक डेवलप किया कि अगर मैं कॉस को टी मानूंगा तो पावर ऑड आ जाएगी, लेकिन साइन को टी मानने पे एक कॉस डी टी में चला जाएगा तो इसकी पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सॉल्व करना मेरे लिए आसान है। तो यहाँ पे क्या था, अगर एक इवन एक ऑड है, एक साइन था एक कॉस का टर्म था, तो जिसकी भी पावर ऑड है जिसकी पावर इवन है उसको आपको टी मानना है। क्लियर हो गया, एक इवन एक ऑड के केस में, बोलो। यस सर, सारा स्टेप बाय स्टेप देख लो, किसी को अगर डाउट हो तो अभी पूछ लो, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, ठीक है, बोलो। नो डाउट, ठीक है। अब कभी कभी ये तो दे दिया, चलो अब कभी मानो एक सिंगल फंक्शन अकेला ही आ जाए, उसमें लॉजिक लगाना, पावर ऑड यहाँ पे साइन के टर्म्स में दिया, कुछ और नहीं दिया हुआ है। अब खुद से सोचो या कुछ क्रिएट करें या फिर क्या करें, देखो जिसकी पावर ऑड होती है उसको टी नहीं मानते, उसके अलावा टी मानते हैं, है ना, ये समझना है क्या ना, बोलो। yes, जिसकी पावर ऑड है उसको टी मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो लॉजिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो साइन की पावर 5 है तो इसको टी नहीं माने, किसको टी माने फिर, कॉस एक्स को, है ना। अब सॉल्व करो, चलो कॉस एक्स को टी मान के पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर।
जल्दी से सॉल्व करो। हो गया सॉल्व, बोलो बोलो हुआ नहीं हुआ। फिर cos x power 5 upon 5 plus c सर हो गया। हो गया यस सर। ठीक है, देखो जिसकी पावर ऑड थी उसको तो हमने टी नहीं माना, उसके अलावा वाले को टी मान लिया। अब पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी में जाएगा, तो यहां से पावर पांच में से एक पावर हट जाएगी ताकि एक डीएक्स में चला जाए। यही तो हम चाहते थे ताकि पावर इवन में कन्वर्ट होता है, है ना? यस सर। बोलो, ताकि एक अगर एक कम हो जाएगा तो पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब साइन के पावर फोर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टी के टर्म्स, मतलब कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉस में लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को ऑपिस के लिख लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मेरा काम हो जाएगा, इसको टी मानेंगे। अब पूरा ओपन करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है? आया ना? यस सर। चलो अब इसमें लॉजिक लगाओ। दिमाग लगाना करो, अपनी तरह से कोशिश करो, जो भी हिट एंड ट्रायल जो भी करना, करो कोशिश। देखो यहाँ पे कोई लॉजिक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑड ही नहीं है, है ना? इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो आप इवन पावर को, जैसे होल स्क्वायर का सॉल्व करते थे वैसे। क्लियर है? है ना? इवन हो तो उसको तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, खासकर होल स्क्वायर। वापिस से पावर इवन है तो इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट। क्लियर है? यस सर। इसमें कोई लॉजिक लगा नहीं है, इसमें बस होल स्क्वायर है तो पावर इवन पावर में डायरेक्ट ऐसे कर देना, डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? यस सर। तो जो इवन पावर है उसको टी मान लिया था,
यहाँ पे ये ऑड पावर थी तो इवन वाला नहीं था तो उसको टी मान लिया, इवन में तो डायरेक्ट ये लॉजिक लगा के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी इस टाइप में अगर फ्रैक्शनल पावर आ जाए 14/9 और 4/9, अब इसको थोड़ा सा हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब मुझे एक चीज तो दिख रही है कि जो दोनों जो पावर है उनका सम अगर मैं कर दूं तो 2 आता है ना। पावर फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल पावर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो लॉजिक एक तो क्या दिख रहा है कि दोनों पावर जो है फ्रैक्शनल पावर उनका सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो कैसे भी करके अगर पावर आपस में ऐड हो जाए, कैसे भी करके अगर बेस पावर अगर आपस में ऐड हो जाए तो अच्छी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो किसको ऐड करें वो लॉजिक लगाते हैं। तो पावर अगर सेम बनानी तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बेस सेम रखना पड़ेगा तभी पावर ऐड होगी, है ना। तो या तो साइन की पावर 14/9 से मल्टीप्लाई करो या कॉस की पावर 4/9 से मल्टीप्लाई करो, किससे ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो किससे ज्यादा फायदा होगा वो सोचते हैं। अगर कॉस की पावर देखो कॉस यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ था, साइन की पावर 14/9, साइन एक्स की पावर 14/9 और कॉस एक्स की पावर 4/9। तो मुझे या तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो या कॉस से, तो अगर कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो 14/9, कॉस की पावर 14/9 से मल्टीप्लाई, कॉस की पावर 14/9 से डिवाइड। इससे फायदा क्या होगा कि ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, बोलो। यस सर। और 1/cos² ऊपर जाके देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये दोनों कंबाइन होंगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, एक सेकंड इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ। और ये क्या बनेगा, ये दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं। यस सर। साइन बाय कॉस पावर सेम है तो 10 बन जाएगा। यस सर। एंड इसमें ये मुझे चाहिए था क्योंकि देखो ये ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर में बदल जाएगा। यस सर। और नीचे मेरे पास क्या है, 10 की पावर 14/9 इनटू x। अब मुझे बताओ क्या करोगे इसके बाद, बोलो। 10x को t मान लेंगे। 10x को t मानोगे ऊपर वाला पूरा dx dt में चला जाएगा, तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा, 1/t^14/9, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, है ना। तो लॉजिक डेवलप हो गया। यस सर। पहली पहली बार लगता है नया नया, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएगी, अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो अपने आप आपके दिमाग में चमक जाएगी बात। ये सारे क्वेश्चन अगली बार जब आएंगे तो आप कर लोगे ना खुद से, हाँ है ना, सारी वेराइटी है। यस सर। एक एक करके हम सारी वेराइटी बस सीखते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन आप बस इसको ध्यान रखो, ये फॉर्मेट ही आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं। ओके सर। अगली इसी का अगला टाइप ई पार्ट करो इसको। सो कोशिश करो अपनी तरफ से, हो जाए तो फिर बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। Thank you.
सर हो गया डन सर। लॉजिक डेवलप हुआ? यस सर। हेलो क्या हुआ बताओ, क्या कह रहा सर? टेन एक्स को टी मान लेंगे, टी मान लेंगे, टेन एक्स को टी माना। अच्छा टेन एक्स को टी मानने पे फायदा हो रहा है क्या? हो रहा है सॉल्व पूरा? यस सर। ठीक है चलो करके देखते हैं। आप बोल रहे सर टेन एक्स को टी मान लो, ठीक है। अच्छा हो रहा है तो फिर सर इवन वाले को मानते हैं ना? नहीं ऐसा, हाँ वो थोड़ी बहुत साइन कॉस में लॉजिक लगाया था अपने, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, हर जगह लॉजिक मत लगा देना, वो क्लियर है? यस सर। यहाँ पे टेन एक्स और सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो टेन एक्स को अगर आप टी मान लोगे आते तो हो रहा है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं शायद, फिर हो जाएगा। यस सर। यस सर ये तो आसान हो गया, मेरे को लगा वो दूसरा कोई टफ क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है ये तो हो जाएगा सॉल्व। यस सर। इसमें अगर हाँ आप सोचो, आप सोचो और बताओ पूरा सॉल्व करो। किसको टी माना है? से सेक एक्स को। हाँ वेरी गुड सिक को। हाँ कर लो टी, हो जाएगा उससे सॉल्व। देखो सर ऐसा हाँ हो गया। अब देखो इसमें ना बुक्स में क्या करते हैं, इसमें ना रटा देते हैं वो बहुत सारे, आप ऑनलाइन वीडियो देखो वहाँ पे बुक ऐसा है तो ऐसा कर लेना, ऐसा है तो आप तो को रटना नहीं है, आप मान मान के देख लेना, जिससे काम हो वो काम कर लेना। पिछले क्वेश्चन में टेन एक्स को मान के टी हो गया था, इस बार टेन एक्स को मान के नहीं हो पा रहा होगा तो सेकेंड एक्स को टी मान लेते हैं। सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स क्यूब था ना, एक स्क्वायर अलग कर लिया, एक अलग कर लिया, ये कर लिया। अब समझ में आ रहा है? तो सेकेंड एक्स डी एक्स तो ये तो डी टी में चला जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको टी में कन्वर्ट करना था, सेक एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख दोगे? सॉरी टेन स्क्वायर को लिख दोगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, ताकि पूरा टेन में कन्वर्ट हो जाए, और ये बचा हुआ क्या सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। हाँ अब जो आपने टी माना है तो क्वेश्चन पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा क्या टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। क्लियर बोलो? यस सर। ठीक नेक्स्ट हेडिंग डालो फॉर्मेट टू, इसको याद कर लेना, ये आसान है याद रखना। जब भी आपका ए ए प्लस बी साइन एक्स टाइप का हो, ये ऊपर भूल जाओ, ऊपर जो लिखा है उसको छोड़ो, नीचे आपको जब भी दिया हुआ ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस, जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह की क्वांटिटी हो, ठीक है, उस वाले केस में क्या करना, साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना। आपको अगर साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला याद हो तो साइन टू टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? बोलो। यस सर। और कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अपन वन प्लस टेन स्क्वायर, याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है ये वाला फॉर्मेट आप याद कर लेना, ये मैं याद करने को कह रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में a प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, उन सारे केसेस में ये ट्रिग्नोमेट्री हाफ एंगल, ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे जाके दूसरे चैप्टर्स में यूज होगा। तो साइन एक्स की जगह उस पूरे क्वेश्चन में साइन एक्स की जगह पूरे को टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर देना, इसको भी टेन एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद टेन एक्स बाई टू को टी पुट अप कर देना, देन पुट
आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को 10x by 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। और जहां जहां भी वन, देखो यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर, यहाँ पे जब भी ये कन्वर्ट करोगे तो न्यूमरेटर में 1 plus 10 square, that is secant square, अपने आप क्रिएट हो जाएगा। न्यूमरेटर में अपने आप secant, 1 plus 10 square को secant square लिख देना, 1 plus 10 square को क्या लिख दोगे, secant square लिख दोगे ना, बोलो। यस सर। तो बच्चों याद रखना ये चीज, प्लीज। यस सर। आपका जब भी क्वेश्चन में a a plus b sin x हो, a and b are constant, a plus b cos x हो, a sin x plus b cos x हो, तो क्या करोगे, sin x की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, cos x है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना और 10x by 2 को t put up कर देना। जल्दी से लिख लो इसको। जल्दी से नोट डाउन कर लो। और जहां जहां भी 1 plus 10 square उसकी जगह secant square put up कर देना। फॉर्मेट नंबर टू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिख लिया क्या सबने? यस सर। याद रख लेना इस फॉर्मेट को, बहुत स्टैंडर्ड है। आपको बस बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, बस ये फॉर्मेट अपनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको बस कोशिश करना पूरे को 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। चलो पहला क्वेश्चन, एक मिनट का समय दे रहा हूं, अब पूरा अपनी तरफ से कोशिश करो। हो गया, हुआ सॉल्व के कर रहे हो अभी? सर कर रहे हैं। ठीक है करो, तब तक मैं छोटा छोटा लिखते जाता हूँ।
यहाँ पे एलसीएम अगर ले लोगे और ये पूरा आला एलसीएम ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 + 1 = 3। और 10² - 2 10² तो -10² एक बार चेक करना, यही बच रहा आप लोगों का भी कैलकुलेशन। बोलो यहाँ पे पहले मैंने 10 cos x की जगह लिख दिया 1 - 10² / 1 + 10² एलसीएम ले लिया, वो जो एलसीएम वाला पार्ट था उसको ऊपर भेज दिया और यहाँ पे 1 + 10² हो गया और ये 2 हो गया, ये 1 + 2 = 3 हो जाएगा और ये +1 - 2 - 1 बचेगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, मैंने आपको कहा था सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है, 10x/2 को t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² x/2 और x/2 का 1/2 dx = dt, तो पोर्शन जो कन्वर्ट हो जाएगा sec² dx की जगह क्या लिख दोगे 2dt है ना, और 3 - t² यही बात समझ में। यस सर। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 बार नीचे से माइनस कॉमन, और 3 को भी क्या लिख दोगे, √3² बोलो। समझ में आ रही बात? यस सर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/(x²-a² वाला 1/2a log ऑफ x - a/(x+a) आई बात समझ में? देखो हो रहा है कि नहीं सॉल्व, कुछ नहीं करना आपको, जब भी ऐसा दिखे ये फॉर्मेट अप्लाई करो, 10x/2 को t मानो, सॉल्व कर लेना, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना। जब भी आपको 1/(1 + 2 cos x) टाइप का क्वेश्चन दिखे या फिर 1/(a + b sin x) टाइप का क्वेश्चन दिखे, उसको 10 के हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, sec² में कन्वर्ट कर दो, 10x/2 को t मानो, एक बार सारी स्टेप्स देख लो, नहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आई तो वापस पूछ लो। सर माइनस बाहर लेके क्या फायदा हुआ? माइनस बाहर लेके फायदा ये हो गया ताकि इसका क्वेश्चन पॉजिटिव में बदल गया, आपको जनरली x² - a² का याद रहता है, इसलिए बाहर लेके, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, फिर आप a² - x² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कोई जरूरी नहीं माइनस बाहर लेना, ठीक है? यस सर। है ना, मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे जनरली वो वाला फॉर्मूला याद रहता है 1/(x²-a² वाला, इसलिए मैंने नीचे वाले के x² क्वेश्चन को पॉजिटिव बना दिया। क्लियर हुआ? यस सर। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन जल्दी से पूछो। चलो इसको सॉल्व करो फिर, नहीं डाउट है तो, और डाउट हो तो पूछना, आपकी जिम्मेदारी है, जो बोला था वैसे पूरा कन्वर्ट करो, cos x और sin x दोनों का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करना विदाउट एनी कैलकुलेशन एरर।
हो गया, बोलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कर करो। एलसीएम ले लेना हमेशा, देखो न्यूमरेटर में हमेशा क्या जाएगा, 1 + 10² ही जाएगा हमेशा, है ना। बोलो, और उसको आप क्या लिख दोगे, हर बार की तरह सेकेंड स्क्वायर एक्स, और एलसीएम जब लोगे तो ये 13 के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1 + 10² को सेकेंड स्क्वायर लिख देना, तो बच्चे भी चक सब ऐसे कैसा। थर्टीन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, 10। और 8x 10x/2, एक बार चेक करना यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। यस सर, यस सर। 10x/2 को वापिस हर बार की तरह t मानोगे, सेकेंड स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, जो जो भी 10x/2 सब t में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन क्या हो गया, 5t + 3 अपॉन नीचे से 2 कॉमन ले लेना, 5t² + 4t + 8, तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी सिखा रखा है, हाँ है ना। यस सर, ऐसे क्वेश्चन जेई में आ सकते हैं, पक्का समझ में आ रहा है आपको। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका अगला टेस्ट ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे डाला था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, हम कंप्लीट भी कर लेंगे अगली एक दो क्लासेस में, एक आध क्लास और लगेगा। आप लोग प्लीज मॉड्यूल सॉल्व करते रहो और डाउट पूछते रहो, आ रही बात समझ में। यस सर, ठीक है, इस बार टेस्ट अच्छे से देना, कोशिश करना पिछली बार से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाओ, बाकी मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको टेस्ट के पहले एक बार और, लेकिन तब तक आप मॉड्यूल सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, जितना आपसे हो सकता हो उतना सॉल्व करो, आ रही बात समझ में। यस सर, वेरी वेरी गुड।